जरूरी है। अच्छी चीज होगी ये वा गई। आगे पढ़ना चाहते हो? हम तुम्हारे सरपंच से बात करके जाएंगे फिर। आपके गांव में स्कूल है नहीं? आठवीं के बाद मतलब छोड़ देते हो? कहाँ पे जाना पड़ता है? अच्छा ये बताओ पढ़ने में इंटरेस्ट किस चीज का है, मजा किसको आता है? तो का करो, लड़ो थोड़ा घर वालों से। घर वालों से कहो ना, घर पे कोई ना मना कर रहा है घर पे। क्या नाम है आपका? काफी। और आपका? मैं आशीष। आशीष, अच्छा तो अपने घर वालों को बताइए उसके बारे में कि क्या क्या बीमारियां फैलती है। आपको पता है क्या क्या बीमारियां फैलती है बाल जाने से? जैसे कि हम बाहर जाते हैं ना, ये देखो अभी हम पहुंचे हैं यहाँ पे घर में, और अभी हम यहाँ पे बात करेंगे। अभी मतलब आना है, अभी अभी बंद होगा। इस गांव में समस्या की पूछो है ना, कोई रुका मारा ताई इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। आपने देखे किसी ने नाखून कितने सूत्रे नाखून देखा है? मुंह पाले सलाने खातर भी आंटी ये नाखून खाज खोरूंगी मम्मी। ताई जी ये नाखून है ना आपकी, ये देखो नाखून बड़े हो जाते हैं, तो इससे खाना खाओगे तो बीमारियां फैलेंगी। तो इसके बचाव के लिए आप पहले कैसे करो कि नेल कटर से नाखून काट लिया, और जैसे नेल कटर है, ये नेल कटर होती है, जैसे कि आप नाखून नहीं काट रहे ब्लेड वगैरह से नाखून काटोगे ना तो उससे कट भी लग जाएगा, नाखून कटने का भय रहेगा। पर आप इससे नाखून काटोगे ना ऐसे करके तो वो बस ये कट गया ना, तो इसको ऐसे करके उससे क्या हो जाएगा, कोई फांस वगैरह रह जाएगी वो हाथ में, फिर वो दिक्कत देगी। तो इससे पहले ही है आप नेल कटर ले लो 10-15 रुपए की आएगी, और इसको ऐसे करके और ऐसे हो गया साफ। और जैसे कि ये ज़्यादा वो रहेगी नुकी लीजिए, तो इसको यहाँ से ले लीजिए और योग ऐसे ठीक है ऐसे करके, और आप नाखून काट लोगे जिससे ये देखियो पैर में भी मिट्टी लग गई है, पानी तक से तो दो यार। कोई बात नहीं,
कोई बात नहीं, वो काम चलता रहता, फिर साथ साथ में इसको साफ कर लिया करो, ठीक है? थोड़ा थोड़ा जैसे आप साफ सफाई रखेंगे पैरों के लिए तो फिर बीमारियाँ कम जाती है। हमारा स्वच्छ भारत के ऊपर एक प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उसमें हम जाके वो बताया करें कि सूत्री डाल सफाई रखे तो बीमारी थोड़ी ना लगे। तो आज हमने नाखून के नेल्स के बारे में बताऊंगे। तो अपना नाखून रोज रोज साफ करना चाहिए, क्योंकि भी कौन देखे ना आंटी देख लो ना इधर ये तो ये चून लग रहा है। तो वो है तो बताऊ भैंस का काम क्या हुआ, झाड़ू झूडू कर दो सारा नाखून ना मान जाएगा। ये बाप ने कोमल रोटी बनाई या चून ला गया, सारा रेत तो चून में चला गया होगा ना, यूरेट सर और के इससे में तो बीमारी फैल रहा है। जितने आपके ध्यान में थे बस आपको पर कर के आऊं मैं, जब न्यू दो तीन वर्ष बनवा ला दो। हां तो दाऊ से न्यू आता ना, पहला न्यू दो और न्यू दो फिर ना हूं ना दाऊ दो साथ में दो। हां और फिर ना हूं ना काटे तो इन में रवे कौन ने अच्छे से नेल कटर तक काटे करो, ताकि तुरंत ही काटा ले वो दे नेल कटर तो फिर ना साफ भी कर रहा हूं ना। नेल कटर में एक ऑप्शन भी हो है देखो, हां मैं फोटो भी तार के लिए देखे देखो नेल कटर में जो वाला यो भी हो समझ में आ। इस तो फिर यो थोड़ा सा बच गया इसमें, देखो यो टेढ़ा मेढ़ा कट रहा है इसने, तो इस तो यो कट को नहीं रहा, यो घस घस की और या काम करे तो किसे तरह भी हो गया आंटी। तो इसने रोज साफ कर ले थोड़ी सी इस तरह के साथे, ताकि यो नू ना बने इसका मैं ना ठीक सर जी ठीक सो देखियो नाखून आपको टाइम से काटने के लिए, और नाखून में जैसे आप खेत में से आए हो घास पर लेके आए हो उससे नाखून में गंदगी फंसी है, तब घर पे जाके नाखून को साफ करना है और फिर इनको कट कट अगर काटने के तो काट लेना, ठीक है? और जैसे कि नेल कटर से दिखाइए एक बार, तो ये नाखून है जैसे आप देखो आपके नाखून भी इसी वजह से खराब हुए हैं, ये कई बार नाखून आपको ऐसे लगता है ना कि ये चुभ रहा है, आप उसको मुँह से कट करो, मुँह तक कौन कट दे तो आप वो यूज मत करो। अगर आपको फ्रिज में रखना है तो डायरेक्ट बर्तन में डाल के रखो, जैसे कोई स्टील का बर्तन हुआ या फिर वैसे बोतल यूज, लेकिन धूप में प्लास्टिक का बोतल का यूज बिल्कुल मत करो, सिर्फ फ्रिज में, वैसे पीने के लिए तो घड़ा यूज करते हैं। हाँ, और जैसे आरओ का भी जब अगर पानी आप यूज करते हो तो डायरेक्ट घड़े में डालो, नहीं आरओ तो यूज करते नहीं करते। अगर आप नल का पानी यूज करते हो तो उसके घड़े के ऊपर जैसे कोई भी छान के या फिर उसको छान के उसमें डाल के तब पिए, अगर पानी साफ आ रहा है तो छान के ना, हर वीक में अपने बच्चों के नेल्स वगैरह बाल वगैरह कटवा के रखिए, ताकि ना पर्सनल हाइजीनिक चीजें की रोज नहाना दोनों टाइम, अभी गर्मी हो रखी है ना, नेल्स वगैरह बाल वगैरह बच्चों के, तो ये पर्सनल हाइजीनिक चीजें भी अपना रखें। की बीमारी का आधा कारण हम लोग खुद होते हैं। मैं पूरा यहाँ से बना रही हूँ, हम चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी से हैं, भिवानी से। स्वच्छ भारत अभियान करते हो, किसमें डाल के रखते हो? हमारा तो आरओ है। आरओ है? आरओ है। तो आरओ से डायरेक्ट बोतल में डालते हो? बोतल में मटके रखते हैं, तो आरओ से आप डायरेक्ट मटके में डालते रखते हैं। और बाहर प्लास्टिक की बोतल देते हो बच्चों को, जैसे स्कूल जाते हैं? नहीं, दूसरी बोतल स्कूल की जो होती है। हाँ, जैसे स्टील की बोतल जाती है या फिर वैसे है ना, तो इनको प्लास्टिक की बोतल्स यूज ना, 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 प्लास्टिक की कोई हमारे पास दूसरी बोतल नहीं है। हाँ, होती है, क्योंकि अगर प्लास्टिक की बोतल यूज करते हो तो वो धूप में जाके पिघलता है प्लास्टिक, और वो प्लास्टिक जो उससे बीमारियां बढ़ती है, कैंसर होने तक का भी खतरा है। आप बच्चों के नेल्स वगैरह हर वीक कट करते हो? हाँ जी। तो उनके बाल वाल भी हर वीक कट करवाते हो? हाँ जी, कटवाते हैं। हाँ, तो इनके पर्सनल जो चीजें जैसे नहाना धोना जो भी नेल्स वगैरह बाल वगैरह सब आपको ही ध्यान रखना पड़ेगा, वीकली हर चीज करो टाइम टू टाइम। हम अभी नीनांग गांव में हैं और ये है संतोष देवी जी एंड आप सर गोपाल कृष्ण। जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हम सफाई अभियान के लिए आए थे स्वच्छ भारत अभियान से, लेकिन यहाँ पे सफाई का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जा रहा है। जैसे कि हम आंटी को नेल्स के बारे में बता रहे थे, लेकिन जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि आंटी के नेल्स पहले ही आंटी अच्छे से ध्यान रखते हैं अपना और अपने घर का भी। तो यहाँ पे
सब कुछ एकदम अच्छा है, बहुत साफ सुथरा है और बहुत सही है।